सबको ये लग रहा है कि शाहरुख खान का करियर पठान मूवी से वापस ट्रैक पे आ गया है, जबकि असली बात ये है कि शाहरुख खान का करियर ब्रह्मास्त्र मूवी से वापस ट्रैक पे आया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी में स्टार्टिंग में ही वानर अस्त्र बनके एसआरके ने पूरे शो को स्टील कर लिया था। तो भाई फैंस ने 2023 को एसआरके का ईयर घोषित कर दिया है, क्योंकि साल के शुरुआत में ही एसआरके की पठान मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई है और इस साल एसआरके की दो मूवीज और आ रही है, जवान और डंकी। तो गाइस वेलकम टू कॉमन एंटरटेनर, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जवान मूवी से रिलेटेड वो ये है कि कुछ फैंस का मानना है कि जवान मूवी कॉपी हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि फैंस ने एसआरके के जवान वाले लुक को 1990 में आई डार्क मैन से इंस्पायर्ड पॉइंट आउट कर लिया है। जैसे एसआरके के चेहरे पे पट्टी या फिर वो कपड़ा बंधा हुआ है, वैसे ही 1990 में आई डार्क मैन में ही सेम यही लुक है। और भाई एटली कुमार पे ये इंस्पिरेशन वाला इल्जाम पहली बार नहीं लग रहा, एटली कुमार पे ये इंस्पिरेशन वाला बिजिल और मार्शल के टाइम पे भी लगा था। हालांकि डार्क मैन का प्लॉट कुछ अलग है कि एक डॉक्टर होता है, उसकी स्किन बर्न हो जाती है और वो अलग अलग स्किन पे एक्सपेरिमेंट करता है, जबकि जवान मूवी का प्लॉट कुछ हाइस्ट रिवेंज टाइप वाला है, ऐसी न्यूज आ रही है। फाइनल अभी कुछ भी रिवील नहीं किया गया। तो भाई देखो ये लुक बिल्कुल सेम लग रहा है, तो हम इसे इंस्पिरेशन तो कह सकते हैं लेकिन कॉपी नहीं। अब जवान मूवी में एसआरके के कितने रोल होने वाले हैं इस बात पे भी बहुत बहस चल रही है। कोई कह रहा है 2 रोल होने वाले हैं, कोई कह रहा है 6 रोल होने वाले हैं, तो कोई कह रहा है 5 रोल होने वाले हैं, जबकि हकीकत किसी को भी नहीं पता है। फैन थ्योरीज के हिसाब से एसआरके जवान मूवी में बाप का भी और बेटे का भी ये 2 रोल करने वाले हैं, जिसमें उनके लुक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रोल नहीं। नेक्स्ट बात आती है कि जवान मूवी इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कैमियोज की बरसात हो रही है। पहला कैमियो आता है थालापति विजय का, जिसकी न्यूज हमें मूवी की अनाउंसमेंट पे ही पता चल गई थी। यहाँ तक कि फैंस का मानना ये है कि थालापति विजय जवान मूवी में एस थैरी मूवी के पुलिस वाले दिखेंगे, मतलब कि ये एक यूनिवर्स बन रहा है। उसके बाद हमें न्यूज मिली थी कि हमें जवान मूवी में दीपिका का भी एक कैमियो दिखेगा। अब दीपिका का रोल क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो दीपिका ही होंगी या फिर कोई अलग कैरेक्टर में। ये दोनों कैमियोज की न्यूज तो हमें मिल ही रही थी कि एक और कैमियो की बात उठ रही है। कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि जवान मूवी में हमें अल्लू अर्जुन का भी एक कैमियो दिखेगा, जो कि उनकी पहली बॉलीवुड अपीयरेंस होगी, क्योंकि फैंस का मानना ये है कि एटली कुमार बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज का ये जो बैरियर है इसको तोड़ना चाहते हैं, जो कि इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। तो डेफिनेटली जवान मूवी से बहुत उम्मीदें हैं और एसआरके, एटली कुमार और मेकर्स पे हमें पूरा भरोसा है कि वो कुछ तगड़ा ही दिखाएंगे। तो गाइज ये थी जवान मूवी से जुड़ी हुई कुछ अपडेट और थ्योरीज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।